तो मेरी इंटरनेट कैफे की कमाई को चांद तक पहुंचाने के बाद अब बारी है मेरे इंटरनेट कैफे को भी चांद तक पहुंचाना। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने यार अपने कैफे में फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी रूम थे उन सबको अनलॉक कर दिया था, और यार अब बारी है हमारे कैफे के सेकंड फ्लोर को सारे रूम को अनलॉक करना, जिससे कि कुछ ये होगा कि हमारी कमाई जो कि ऑलरेडी चांद पर है वो और भी बढ़ जाएगी, और बढ़ते बढ़ते वो चली जाएगी जुपिटर तक। तो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का इंटरनेट कैफे सिमुलेटर के पांचवें एपिसोड में। तो चले आ गाइस, हम लोग बिना किसी देरी के गेम में बढ़ते हैं। तो सुबह उठते ही नॉर्मल लोग क्या करते होंगे, नहीं मेरा मतलब वो मोबाइल चलाने से नहीं है, और मतलब यार ये कैसा सवाल हो गया। सुबह उठते ही ऑब्वियसली लोग पहले बाथरूम यूज करते होंगे, लेकिन मैं नहीं। और मैं से मेरा मतलब सचमुच का मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं इस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ जो कि इस गेम में है। ये कैरेक्टर के घर में एक बड़ा और आलीशान सा बाथरूम तो जरूर है, लेकिन वो सिर्फ शोपीस के काम आता है। ये कैरेक्टर उस बाथरूम को यूज नहीं कर सकता। नाइस, ऐसा क्या होता है बे। तो मैंने सुबह उठते ही नेचर कॉल्स को पहले इग्नोर किया और डायरेक्ट यार मैं सेकंड प्रोसेस पे एनरोल कर दिया, जो कि था ब्रेकफास्ट करना। और यार ब्रेकफास्ट में मैंने यार पिज्जा खाया। जी हाँ, वो भी ब्रेकफास्ट में। एनीवेज, पिज्जा खा के मैं निकल पड़ा अपने इंटरनेट कैफे की ओर, और वहाँ पे यार मैंने अपने बॉडीगार्ड से कुछ बात की, और यार उस बॉडीगार्ड को मैंने यार बॉडीगार्ड बोल के चपरासी के काम पे लगाया हुआ था, और उससे बात करते वक्त मैंने उसको थोड़ी दुनियादारी समझाई कि कैसे कुछ कमीने लोग होते हैं कि एक आदमी को बुलाता है बॉडीगार्ड के नौकरी पे रखने के लिए, लेकिन वो उनसे चपरासी का काम कराते हैं। लेकिन यार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने यार उस बॉडीगार्ड को एकदम मस्त और एकदम अच्छा सचमुच का बॉडीगार्ड वाला ही काम दिया था, ना कि चपरासी वाला। और यार इस वाले बॉडीगार्ड को अपने मालिक पे यानी कि मुझ पे एकदम गर्व होना चाहिए कि मेरा मालिक एकदम अच्छा है। और पता नहीं यार क्यों वो अपने हाथ से अपने आप को हवा दे रहा था, शायद से यार वो मेरे को इस सारी चीजों के लिए थैंक यू कहना चाहता था। और एज अ गुड मालिक मैंने उसका वो थैंक यू एक्सेप्ट भी किया। वेलकम भाई, वेलकम, कोई बात नहीं। और उसका थैंक यू एक्सेप्ट करने के बाद यार मैं तुरंत से निकल गया अपने कैफे में, और कैफे में मैंने सबसे पहले आके अपनी दुकान को ओपन किया। और यार दुकान को ओपन करने के बाद यार मैं शांति से बिल्कुल नहीं बैठा, क्योंकि यार मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं हमेशा हार्ड वर्क करते रहता हूँ। और इसीलिए मैंने अपने दुकान को साफ करने के लिए साइड में पड़ा हुआ झाड़ू को उठा लिया, और मैं बस साफ कर ही रहा था अपने कैफे को, उतने में यार कस्टमर्स मेरे कैफे में आ जाते हैं। अरे पागल है क्या ये लोग, मेरे को साफ तो करने दो। लेकिन नहीं, इनको साफ नहीं करने देना है, इनको यार इसी कचरा कुंडी में घुसना है। तो इसलिए मैं गुस्से में मैंने अपना कैफे को साफ नहीं किया, और मैंने इनको कहा मरो, तुम लोग कचर कुंडी में ही खेलो अपना गेम, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने यार अचानक से नोटिस किया कि एक सेकेंड, कल सोने से पहले मैंने अपने इंटरनेट कैफे को एकदम बढ़िया से डेकोरेट किया था, दीवार पे वॉलपेपर लगाया था, फ्लोर पे अच्छा वाला टाइल्स लगाया था, और यार सीलिंग को भी मैंने कलर किया था। लेकिन आज सुबह होते ये एकदम सादा कैसे हो गया, ये किसने किया होगा। और मेरे को यार कहीं ना कहीं शक जा रहा था मेरे बॉडीगार्ड पे, तो इसलिए मैंने यार बिना किसी देरी के बॉडीगार्ड से जाके बात की। और यार इस बार ये बॉडीगार्ड मेरे को दुनियादारी सिखा रहा था कि कैसे कुछ लोग होते कि कैसे कुछ कमीने लोग होते हैं जो कि अपने मालिक के पैसे से ही उनका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ठप कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा बॉडीगार्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो अपना मालिक के एकदम वफादार हूँ, मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और हाँ, मैंने भी एक बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मेरा बॉडीगार्ड ऐसा नहीं कर सकता। और या फिर से वो बॉडीगार्ड मेरे को थैंक यू बोल रहा था अपने आप को अपने हाथ से हवा मार के, तो मैंने उसका वो थैंक यू वापस एक्सेप्ट कर लिया। और यार मैं चला गया अपने कंप्यूटर पे, और यार मैंने अपने कंप्यूटर में से अपने कैफे को फिर से रंग बिरंगा कर दिया। और यार अपने इंटरनेट कैफे को एकदम रंग बिरंगा करने के बाद मैं चला गया अंदर अपने कंप्यूटर को देखने कि सब कुछ ठीक ठाक चालू है या फिर नहीं। और वहाँ पे यार मेरा सर जो है एकदम चकरा जाता है, मैं वहाँ पे दुनिया का एकदम मिस्टीरियस चीज देखता हूँ। और वहाँ पे मैंने देखा जो कंप्यूटर सबसे ज्यादा अच्छा है, जिसके सारे सामान एक जगह पे सीमित है, उस कंप्यूटर में मुझे दिखा रहा है कि ये कंप्यूटर कुछ ठीक नहीं है। जबकि जिस कंप्यूटर पे सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, इसका कीबोर्ड कहीं और फेंका है, उस कंप्यूटर को दिखा रहा है कि ये कंप्यूटर एकदम नॉर्मल है। और इतना ही नहीं, बल्कि यार मेरे इंटरनेट कैफे पे एक बुड्ढा आया था जो कि मुझे पता नहीं क्यों मेंटली रिटायर लग रहा था, क्योंकि यार वो एक कंप्यूटर को यूज तो कर रहा था, लेकिन अफसोस उसने वो कंप्यूटर को चालू ही नहीं किया था। आई मीन व्हाट, इतना पागल कौन हो सकता है बे जो कि बंद कंप्यूटर पे ही अपना काम कर रहा है। एनीवेज, और तभी मैंने उसके साइड वाले कंप्यूटर पे देखा जिसपे तो कोई नहीं बैठा था, लेकिन उस पे यार अश्लील वीडियोस चालू थी। और यार हमारे चैनल पे अश्लील चीजें बिल्कुल भी बैन है, हम लोग अश्लील चीजें बिल्कुल भी नहीं करते। और मैंने भी यार बिल्कुल एकदम अच्छे इंसान की तरह उस उधम में रुक के उस अश्लील वीडियो को नहीं देख रहा था, मेरे को ये काम है क्या अच्छे अच्छे। और उन सबको यार इग्नोर मार के मैंने सोचा ये भाड़ में जाइए सब, मैं इसको वापस से ठीक नहीं करने वाला हूँ। और इसलिए मैं निकल पड़ा अपने कंप्यूटर की ओर, और कंप्यूटर पे यार मैंने अपने सेकंड फ्लोर के जितने भी रूम्स थे उन सबको अनलॉक कर लिया, और वो सब काफी ज्यादा महंगे थे यार, मेरी एक महीने की कमाई एक चुटकी भर में उड़ चुकी थी।
खैर इन सारी चीजों को गोली मारते है। और उसके बाद यार मैं निकल पड़ा अपने सेकंड फ्लोर पे अपने रूम देखने कैसा है वो रूम। और मैंने देखा यार ये रूम एज कम्पेयर टू नीचे वाला रूम ये रूम्स वाकई में छोटे थे। और मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को चूना लग चुका है। लेकिन बस और बस आपके सामने कूल बनने के लिए मैं बोल देता हूँ, ओ भाई साहब कितना बड़ा रूम है यार, इतना बड़ा रूम और इतने कम पैसे में है, मैंने कहीं नहीं देखा, साले ने चूना लगा दिया यार। एनीवेज मैं ये सब चीजों को देखने के बाद मैं निकल पड़ा वापस अपने कंप्यूटर की ओर। कंप्यूटर पे आने के बाद मैंने सोचा यार सबसे कम काम किसका रहेगा, मेरा मतलब अगर मैंने ऊपर वाले रूम में भी पीसी का सेटअप लगाया तो यार ये हरामी कस्टमर्स जो है ना वो मेरे पीसी को पूरा तबाह कर देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे कम काम जहाँ पे रहने वाला है वो काम मैं करूंगा ऊपर वाले रूम में। तो इसलिए मैंने अपने कंप्यूटर से एकदम महंगा वाला आर्केड मशीन है उसको यार 10 बार खरीद लिया। जी हाँ मैंने उस आर्केड मशीन को 10-10 मरतबा खरीदा। कुछ ही देर में कार्गो एरिया पे वो सारे मशीन्स आ चुके थे तो मैंने फटाक से उन सब मशीन्स को अंदर शिफ्ट किया। और ऑर्डर तो मैंने यार सिर्फ 10 आर्केड मशीन किए थे लेकिन पता नहीं ये देखने में कुछ 10 से ज्यादा ही लग रहे थे। और हाँ आप लोग ये भी कह सकते हो कि मुझे यार गिनती नहीं आती। तो यार इसलिए मैंने बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो सारे आर्केड मशीन को अच्छे से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था। और यार सेम टू सेम पिछली बार की तरह मेरे को फिर से यही प्रॉब्लम आया आगे। मैं एक आर्केड मशीन को लगा रहा था तो दूसरा आर्केड मशीन गिर जा रहा था, कुछ आर्केड मशीन यार अपने आप गिर जा रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय आर्केड मशीन को हम लोग हवा में नहीं लटका सकते है? ऐसा थोड़ी होता है। मैंने यार एक आर्केड मशीन को सोचा कि यार एलसीडी टीवी की तरह हवा में लटकाऊंगा लेकिन यार वो गिर गया, बताओ ऐसा होता है क्या? और कुछ ही देर में मेरा आर्केड मशीन का सेटअप जो है वो पूरा हो चुका था। और यार यहाँ तक यार दो रूम तो एकदम सक्सेसफुली पूरा हो चुके थे लेकिन यार तीसरा रूम अभी भी खाली था। तो मैंने सोचा यार उसके अंदर मैं अपना कुछ पर्सनल कुछ करूंगा। तो यही सोच के यार मैंने अपने कंप्यूटर से फिर से बहुत सारी चीजें ऑर्डर किए थे और मैंने वो सारे सामान ऑफ कैमरा ऑर्डर किए थे। तो अफसोस उसका फुटेज तो मेरे पास नहीं है लेकिन इतना दुख यार मेरी जिंदगी में है ना, मैं क्या कहूँ। मैंने वो सारे सामान को ऑर्डर करने के बाद यार मैं चला गया था सोने और सोने के बाद मैं वापस से आया, वहां पे मैंने देखा मेरा सारा सामान जो है वहां से गायब हो चुका था। और यहाँ तक मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, लिटरली मेरा गुस्सा सातवें आसमान में था। और उसी गुस्से में मैंने अपना सेल्स गन को उठाया और मेरे कैफे में जितने भी सामान थे, जितने भी कंप्यूटर, जितने भी टेबल्स, जितने भी सीपीयू, जितने भी महंगे सामान थे उन सबको यार एक एक करके बेचना स्टार्ट कर दिया। मेरे को और बिजनेस नहीं करना यार ये इंटरनेट कैफे का, मैंने सबको बेच डाला। और तो इसलिए मैं चला गया अपने सिटी के एकदम बढ़िया वाले क्लब में अपना माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करने। आया क्लब में आते ही मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, क्या क्लब था यार, वहाँ पे माहौल एकदम संस्कारिक था, वहाँ पे बिल्कुल भी अश्लील चीजें नहीं थी। और वो जो लड़की स्टेज पे जाके डांस कर रही थी एकदम बढ़िया डांस था, वो अश्लील डांस तो बिल्कुल भी नहीं था। काफी देर वो डांस देखने के बाद मेरे को आखिरकार समझ में आ गया ये बहुत ही अश्लील चीजें है। और यहाँ का वातावरण धीरे धीरे और भी ज्यादा अश्लील होते जा रहा था। और आपको तो पता है मैं ऐसे अश्लील जगहों पे नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं यार तुरंत से अश्लील जगह से भाग गया और मैं चुपचाप से अपने घर पे जाके सो गया। तो ओके गाइस यार आज वाले वीडियो में इतनी, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।